अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शयान और आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हैदराबाद बर्ड्स में। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो केजेस की सफाई है। ठीक है जी, बहुत से लोग बोलते हैं कि सफाई करने से कबूतर बीमार हो जाता है, हवा में आ जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सफाई नफ्स से मान है। ठीक है जी, मैं पहले भी कबूतरों की सफाई करता था, केजेस की भी, कॉलोनी की भी, अभी भी करता हूँ दोस्तों। तो बच्चे वगैरह बड़े हो गए माशाल्लाह, तो गंद वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी, तो ये सारी सफाई करता हूँ। ऊपर जो है यहाँ कॉलोनी की सफाई करी है मैंने, सारों को कॉलोनी में डालूंगा। ये कुछ नहा धो के बैठे हैं, इनको धूप लगा रहा हूँ। ठीक है जी, और बाकी जो है सफाई सुथराई इंशाल्लाह हम करते हैं यहाँ की, उसके बाद जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी दोस्तों, सारे ब्रीडर अभी मैंने इकट्ठा करें। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं फटाफट सफाई करूँगा सबके अंडे, बच्चे वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है जी, मैं सबको कॉलोनी में डालता हूँ और सफाई करके आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ दोस्तों। ठीक है जी, सारे ब्रीडर्स आ गए माशाल्लाह कॉलोनी में, और कॉलोनी की सफाई कर दी थी मैंने दोस्तों। सारे मेरे माशाल्लाह ब्रीडर जोड़े और सब आ गए कॉलोनी में। अब मैं नीचे जाता हूँ, बच्चे वगैरह भी इसमें पट्ठे भी हैं माशाल्लाह, तैयार हो गए पट्ठे। ठीक है जी, अब मैं नीचे जाता हूँ केजिस की तरफ दोस्तों। केजिस की तरफ जाते हैं और केजिस की सफाई वगैरह करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा दोस्तों। सारे अच्छे ब्रीडर जोड़े, ज़बरदस्त जोड़े। ठीक है जी, ये चेक करें। अब ज़्यादा देर करूँगा तो बर्ड डिस्टर्ब होगा, तो बर्ड को डिस्टर्ब होने से पहले हम जाके हमारा काम निपटाते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, चूँकि सारे कबूतर एक साथ हैं, ठीक है जी, सिर्फ दो पेयर्स को छोड़ के वो अभी धूप खा रहे हैं। तो ये ग्रीट आता है दोस्तों, पावर प्लस के नाम से, आदिल भाई की शॉप से मिलेगा। ये मैं इनको डालता हूँ, इसके अंदर टोटल कैल्शियम और मिनरल्स वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये जो है दीवार वगैरह खाने की कर रहे थे, तो ये ग्रीट मैं इनको डालता हूँ। ठीक है जी, मैं दिखाता हूँ ये डाल। जी दोस्तों, तो ये कैल्शियम और पाउडर वाला ग्रीट है, कबूतर खाते हैं ये। ठीक है जी, मैं डाल के देखता हूँ हमारे कबूतर खाते हैं नहीं खाते, क्योंकि ब्रीडर होते हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों, ब्रीडर कबूतरों को। चेक करते हैं, आओ 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 आओ। तो चेक करते हैं दोस्तों, अब ये खाते हैं नहीं, तो देर में इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ। इसको मैंने अभी पर वगैरह खींचे हैं ताकि इसके गंडे वगैरह या पान वगैरह जो भी हैं बन जाए। इस पर भी एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं कि इनके जो है परिंदों को खींच के बनाने का तरीका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सफाई ना करने का ड्रॉबैक देख लें, मैंने भी काफ़ी टाइम से नहीं करी थी। कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, देख रहे हैं किस कदर तादाद में हैं ये। ठीक है जी, सफाई करने के बाद यहाँ मैं मुर्गा मुर्गी को छोड़ूंगा, वो इंशाल्लाह इन सबका जो है सफाया कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, तो सफाई जारी है। ठीक है जी, अब आपने करना ये है कि कोई भी जो है एंटीसेप्टिक चीटी मारने वाला या कीड़े मारने वाला पाउडर लेना है। अगर आपका केज ऐसा है तो इसकी जो साइड्स हैं, किनारियाँ, यहाँ पे जो दरारें होती हैं, दरारों के अंदर कीड़े बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है ये देखें, यहाँ पे आपने ये एंटीसेप्टिक वाला जो है पाउडर आपने छिड़कना है। ठीक है जी, मैं छिड़क के आप लोगों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, चेक करें कुछ इस तरीके से, ताकि कीड़े मकोड़े जो भी हों वो मर मरा जाएं और आपके बर्ड्स को, बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी दोस्तों, सफाई महीने में एक बार ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें। मैं भी अभी लेट हो गया हूँ थोड़ा। ठीक है जी दोस्तों, जिसमें ये प्यालियाँ वगैरह इसमें बैठते हैं, ये प्यालियाँ भी साफ़ करके आप लोगों ने लगानी है। ठीक है जी, मैंने साफ़ कर लिया है इसको। ठीक है जी दोस्तों, ये साफ़ हो गई हैं, अब मैं इनको लगाता हूँ इनकी जगहों पर। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पट्टी वाला पेयर, और यहाँ पे जो हमारा मैंने दांत का एक्स्ट्रा मेल है वो, क्योंकि हम पेयर बनाएंगे पूरा। ये खाना साफ़ सुथरा होकर तैयार हो चुका है दोस्तों, सेम नीचे वाले के साथ करना है, और ऐसे ही सेम नीचे वाले के साथ वगैरह, बच्चे वगैरह सब चीज़ें आपने एक साइड कर लेनी है। हमारे देड़ के बच्चे हैं। ठीक है जी, और कौओं से बचाना है, अगर आप छत पर हैं तो कौए क्योंकि हैं, कौए उठा के ले जाते हैं, आसरा भी नहीं करते दोस्तों। ठीक है जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई प्रोग्राम जो है पूरा हो चुका है। ठीक है जी, सारी चीज़ें सब कबूतरों की अपनी अपनी जगह पे उनकी मैंने रख दी हैं। अब सारे जोड़ों को मैं दोबारा इनके खानों में छोड़ता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह सारे कबूतर अपनी मुकर्रर की हुई जगहों पर आ चुके हैं, और माशाल्लाह वैसे ही खुश हैं, वैसे ही सेट हैं। ठीक है जी, कोई परेशान नहीं हुआ, सब अपने एग्स वैक्स पर आके बैठ गए, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ दोस्तों इनको शिफ्ट किए, और ये वापस अपने एग्स वगैरह पे, बच्चों पर वैसे ही बैठ गए जैसे थे। ठीक है जी,
मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।